आशुतोष जी जल्दी आ जाइए, तो वो परिवार केंद्रित मॉडल क्या यही वजह बनने वाली है समाजवादी पार्टी में टूट के जो कयास लग रहे हैं 2024 से पहले? आशुतोष जी, अब जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार के बारे में क्या जाने। रोमाना जी, भाई वरिष्ठ प्रवक्ता नलिन कोहली जी लोकतंत्र विचारधारा की बात कर रहे हैं। मुझे याद आ रहा है लोकतंत्र की बात करते करते जब सरकार इनको बनानी होती, सरकार की भूख कैसी है, तो जम्मू कश्मीर में जाके पीडीपी जो बिल्कुल धुर विरोधी है, जिसके साथ इन्होंने बिल्कुल लड़ाई लड़ी है, उसके साथ सरकार बनाते हैं। अच्छी लगी तब तक बढ़िया, नहीं लगी तो छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ते हैं, फिर एक आदमी को तोड़ के पूरी पूरी चुनी हुई सरकार गिरा देते हैं, तो लोकतंत्र की विचारधारा वहां मजबूत कर रहे होते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को तोड़ते हैं और सारे एमएलए को लेके आसाम भाग जाते हैं रिजॉर्ट में, तो लोकतंत्र मजबूत कर रहे होते हैं। कल एक चुनी हुई पार्टी को तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। तो ये विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है, मैं बार बार कहता हूं। और यही प्रधानमंत्री, बड़ा दुख है कि पहली बार ऐसा है कि इस देश में प्रधानमंत्री के शब्दों की कोई कीमत नहीं रह गई है। चार दिन पहले जाके बोलते हैं कोनार्ड संगमा जैसा भ्रष्ट राजनीतिक मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, चार दिन बाद उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। दो दिन पहले आते हैं अमेरिका से और कहते हैं कि एनसीपी के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और उसके साथ तोड़ के सरकार में उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। 10 दिन पहले जो है फडणवीस जी बोलते हैं चक्की पी सिंह, अजीत दादा चक्की पी सिंह, और उसके साथ सरकार बना। ये विचारधारा है, ये प्रधानमंत्री की भाषा रह गई है। मतलब प्रधानमंत्री तो एक व्यक्तित्व होता है, प्रधानमंत्री एक चीज होती है जो देश का एक गौरव होता है, जिसकी वक्त और भाषा का मतलब होता है। आज दुखद ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने उस शब्दों की, अपनी विचारधारा को, अपनी गद्दी का मान नहीं रखा है। जहां जहां बोला वहां वहां उसको जो है अपने साथ में लेके आया, इसीलिए वॉशिंग पाउडर का नाम आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। इतना तो राजनीति में गिरावट नहीं होनी चाहिए। सर, आप जो बात कह रहे हैं उस पर मैं जवाब लूंगी नलिन कोहली जी से। वारिस पठान साहब, आपके पास भी आ रही हूं, लेकिन उससे पहले जल्दी से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।